हेलो फ्रेंड्स, आपने कचौड़ी पकौड़े भी बहुत तरह के खाए होंगे लेकिन उससे खा करके बोर हो चुके हैं, तो ये नाश्ता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही झटपट से ये बन भी जाती है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि आलू लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 पीस आलू लिए जिसे बॉयल करके अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। तो मैश करने के बाद यहाँ पर मैंने प्याज डाला है। तो इसमें क्या करना है कि एक प्याज लेना है आपको और इस तरीके से लंबे लंबे लच्छे में इस तरीके से कट करना है और हाथों से ना क्रश कर लीजिएगा ताकि इसके एक एक लच्छे निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो हम आलू में हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब इसमें हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे तो टेस्ट के हिसाब से, यानी कि मसाले मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ, टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दीजिए। तीखा के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये चिली फ्लेक्स मैंने डाला है, लाल मिर्च पाउडर है सॉरी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कलर के लिए हल्दी पाउडर डाला है और कश्मीरी मिर्च मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल रही हूँ, यानी कि 1/4 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, तो ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, तो 1/4 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए। और अब इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। और अब इसके साथ ही हमें डाल देना है चाट मसाला, चाट मसाला ज़रूर से डालिएगा। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो अमचूर पाउडर हो वो आप डाल दीजिए, अगर वो भी नहीं है तो आप लेमन यहाँ पर ना हाफ लेमन का जूस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हमें थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल देना है, बस 2 से 3 पिंच, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ज़्यादा तीखापन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है ना, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो आप ना इसमें हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ना यहाँ पर प्याज की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए ना कि इसमें जो प्याज की जो है फ्लेवर ना इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा आने वाला है, इसलिए यहाँ पर मैंने प्याज की क्वांटिटी ज्यादा रखी है, आलू की कम मात्रा में रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले ली है और इसमें अब डालेंगे आधा कप बेसन। बेसन को अच्छे से पहले छान लीजिएगा ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ना हो। अब इसमें ना थोड़े से हल्के फुल्के मसाले डालेंगे लेकिन टेस्टी फुल होगी। इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे क्रिस्पी और करारा बनाने के लिए यहाँ पर मैं चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास चावल का आटा हो तो ज़रूर से डाल दीजिएगा ताकि इससे ना एक्स्ट्रा इसमें क्रंच आ जाता है, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा नमक मैंने डाला यानी कि टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए ताकि इसमें एक कलर बहुत अच्छा सा आएगा। अब यहाँ पर डाल देंगे चिली फ्लेक्स, तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन नाश्ते में ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसमें डाल देना है हींग, 2 से 3 पिंच मैंने हींग डाला है। हींग से जो है नाश्ते में टेस्ट भी अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है, तो इसलिए ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर डाला है 1/4 टेबल स्पून कलौंजी, कलौंजी यानी कि मंगरेला। अब इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच या 1 चम्मच के करीब ना यहाँ पर वाइट तिल, ठीक है, ये सफ़ेद वाला तिल जो होता है मैंने वो डाला है। इससे नाश्ते में बहुत अच्छा सा क्रंच आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है अजवाइन। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर इन सारी चीज़ों में से अगर आपके पास कुछ एक चीज़ नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें करना क्या है कि अब हमें ना थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करना है। तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप ना यहाँ पर मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी की क्वांटिटी जो है बहुत ही थोड़ी थोड़ी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि इसका जो बैटर हमें बनाना है ना बिल्कुल गाढ़ा सा ही बनाना है। तो एक बार इस तरीके से पानी डालने के बाद ना अच्छे से बीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ना कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या इनो किसी भी चीज का मैं यहां पर यूज करने वाली नहीं हूं, बस थोड़ा सा अब इसमें मैंने पानी डाला है। अब इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट कम से कम ना इसे बीट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ताकि ये नाश्ता ना फ्लफी और हल्का बनेगा। जब ये फेट लेने के बाद ना अब ये देखिए बहुत अच्छा सा नाश्ता हमारा बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेश धनिया की पत्ती और इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच ऑयल, ऑयल कुकिंग ऑयल डालिएगा, सरसों का ऑयल नहीं डालना है, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे जो है ना नाश्ता बहुत कुरकुरी सी बनेगी। ये देखिए चम्मच में अच्छे से कोटिंग आ रही है ना, बस इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं साइड पर, हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर
मैंने लिया है ब्रेड के कुछ स्लाइसेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसे मैंने रख दिया साइड में। अब दो पीस मैंने यहाँ पर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि एक में ना हमें ग्रीन चटनी लगानी है। तो ग्रीन चटनी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास ग्रीन चटनी नहीं है तो आप यहाँ पर टोमेटो केचप का यूज़ कर सकते हैं या तो शेजवान सॉस का भी यूज़ कर सकती हैं। तो चटनी ज़रूर से लगाइएगा ताकि इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। अब ये जो हमारा जो आलू मिश्रण जो बना है ना, बस इसमें हम एक अच्छी सी लेयर इसमें रखेंगे और 3 से 4 चम्मच आपके इसमें लग जाएंगे ब्रेड में, और अच्छे से फैलाते हुए दबाते हुए इसे है ना प्रेस करेंगे इस तरीके से, ताकि ये अच्छे से आलू का मिश्रण अच्छे से चिपक जाएगी। ये देखिए प्याज जो है बहुत ही अच्छा सा इसमें क्रंच आता है, एक एक बाइट में आपको क्रंची फील होगा खाने में। तो इसे हम अच्छे से फिल कर देते हैं। एक मोटी सी लेयर हमें इसमें लगानी है इस तरीके से। अब क्या करना है कि इसमें जो अच्छे से लग जाएगी ना, तो हम दूसरी वाली जो स्लाइस है, आप चाहें तो इसमें भी आप टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। बस इसी तरीके से हमें ना इसके ऊपर से रख देना है। तो ये आपकी ना एक ब्रेड तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसके हम कटिंग करेंगे। तो किस तरीके से, तो यहाँ पर ना 1/2 करना है, उसके बाद ना इसकी हम 4 पार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि 4 पार्ट में इसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक स्क्वायर शेप में हमें छोटा छोटा बाइट मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये इस तरीके से हमें करना है। अच्छा, इसे जो है ना दो तरीके से मैं बताऊंगी कि इसे आप किस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर लीजिएगा, जो बाहर एक्स्ट्रा निकला है ना, तो उसे आपको अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अब एक तरीका है ये कि आप ना कोई भी स्टिक ले लें और इसे ना इस तरीके से अरेंज परे कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद आप 4 पीस भी इसमें अरेंज कर सकते हैं, या तो आप 2-2 पीस करके भी आप इसमें स्टिक में सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके टाइम भी बचेंगे और एक ही बार में सारे नाश्ते आपके फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप करके बना सकते हैं। तो ये तो आपका पहला तरीका हो गया, तो इसे हम अभी रखते हैं साइड में। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं कि वो क्या है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें करना है कि मैं यहाँ पर 2 ब्रेड ले रही हूँ, इसे अभी हम रखते हैं साइड पे। तो 2 ब्रेड ले लेंगे और इसमें भी हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। तो चलिए इसमें हम पहले ग्रीन चटनी लगा लेते हैं। तो टोमेटो केचप भी हो तो वो भी आप लगा लीजिएगा। तो इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ना ग्रीन चटनी से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही चटपटे सा स्वाद इसमें मिलता है। अब इसके ऊपर से चलिए स्टफिंग रखेंगे और अच्छे से ना स्टफ कर देंगे। एक मोटी सी लेयर हमें इसकी बनानी है। तो चलिए इसमें भी हम अच्छे से 2 या 3 चम्मच इसमें हम डाल देंगे और जहाँ जहाँ पर जगह है खाली ना, वहाँ पर अच्छे से दबाते हुए हम इसे स्टफ कर लेंगे। दूसरी ब्रेड को भी इसके ऊपर से रख देंगे इस तरीके से, और इसके भी हम ना इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। देखिए कटिंग करने का जो तरीका है बिल्कुल वही है, वही रखना है। अगर आप ना सैंडविच के जैसा आपको अगर बनाना हो तो उस तरीके से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर शेप में किया है। तो ये देखिए हमारे 4 पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसे हमें कोई भी स्टिक की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी तरीके से ना आप बेसन के घोल में आप इसी तरीके से आप इसे कोटिंग कर सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका पसंद आया हो तो बस वही आप बनाएं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 2-2 पीस करके मैंने यहाँ पर सिक्योर किया है और बाकी को मैंने इसी तरीके से बना लिया है। तो जो भी आपको पसंद आ रहा हो बस उसी तरीके से आप बनाएं। तो कौन सा आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा आपको कौन सा वाला अच्छा लगा है। तो इस तरीके से आपको सभी पीसेस को तैयार पहले कर लेने हैं। तो यहाँ देखिए बैटर भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमारा जो है नाश्ता भी बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब किस बात की देरी है भाई, तो चलते हैं इसे हम फ्राई करने के प्रोसेस पे। तो एक एक पीस लेंगे और इसमें ना बेसन के घोल में हम इसे डीप करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें अच्छे से अलट पलट करना है और इसे डीप कर लेना है। एक साइड में आपको ऑयल को गर्म करने के लिए रख देना है। जब ये गर्म हो जाएगा ना तभी हम इसमें डाल देंगे। तो आप इसे डीप फ्राई शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक पीस उठाते जाइए और इसमें डीप करते जाइए। जितनी भी जगह हो बस उतना ही डालना है, ज़्यादा ओवर नहीं डाल देना है ताकि टर्न करने में आपको दिक्कत होगी। तो इस तरीके से करने के बाद ना आपको कुछ सेकेंड इसी तरीके से छोड़ देने हैं और उसके बाद ही इसे आपको टर्न करना है। तो देखिए इस तरीके से 1 चम्मच से नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ की सहायता से आप दोनों साइड से सिक्योर कर लें, यानी कि पकड़ लें, उसके बाद आप अच्छे से टर्न कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर
चाकू का यूज़ कर रही हूँ, कोई कुछ भी नहीं मिला इस टाइम पे ना मुझे, जो भी सामने नज़र आई बस मैंने वो ले ली। और इस तरीके से हम एक साइड से थोड़ा सा बैलेंस मिल जाता है इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसे पलट देंगे। तो एक साइड देख सकते हैं कि कितना ही क्रंची और कितना ही अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो दोनों साइड से हमें ना इसी तरीके से कलर इसका कर लेना है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई पे रखा है, हाई फ्लेम पर इसे आपको फ्राई करना है। तो ये देखिए बिल्कुल बन के ये तैयार हो चुकी है। तो जो पीस हमारी तैयार हो गई है तो वो हम इसे निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा सा मैं पलट दूंगी, बस इसे भी हम उसके बाद निकाल लेंगे। तो आज की रेसिपी पसंद आई तो दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दोनों जो है हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आती है स्टिक वाली फ्राई करने की बारी। तो हम इसे इस तरीके से डिप करेंगे और एक चम्मच ले लेते हैं, अच्छे से हमें इसे डिप करना है सैलरी में। तो इस तरीके से ना बैटर में हम इस तरीके से करेंगे, चम्मच से हम उठाएंगे बैटर को, इसके ऊपर रखेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक ही बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ब्रेड है बहुत जल्दी से गिलगिली सी हो जाती है, बस इस तरीके से आप पकड़ें जो है ना इस तरीके से, तभी आप जो है बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे इसे। तो इस तरीके से आपको स्टिक उठानी है और डीप ऑयल में डिप कर देना है। तो चलिए मैंने दोनों पीस को इसी तरीके से डिप कर दिया है और अब क्या करना है इसे ना थोड़े से कुछ देर के बाद इसे आपको पलट लेना है। तो पलटना किस तरीके से है ये देखिए, आप बस इस तरीके का चम्मच का यूज़ कीजिएगा और बस इस तरीके से आपको टर्न करना है। तो बहुत आसानी से ये टर्न हो जाती है। ये देखिए चारों साइड से आपको ना अच्छा सा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये जो है फ्राई भी हो रही है। तो ये देखिए सभी साइड से बहुत अच्छे से ना फ्राई हो गई और स्टिक में बहुत अच्छे से सिक्योर हो गई है क्योंकि ये अंदर तक इसकी जो बैटर थी ना ये अच्छे से पहुंच चुकी है। चलिए अभी से हम निकाल लेते हैं, बाकी नाश्ते जितने भी हो ना आपको इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। तो फ्राई करने में बहुत ही कम समय लगता है और ये बन करके बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों बन करके बिल्कुल तैयार है। कितना ही देखने में टेम्पटिंग लग रहा है ना, यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये ब्रेड के जो है आप इसे पकौड़े बोले या आप इसका क्या नाम देंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो आप ना ब्रेड के पकौड़े बहुत तरह के खाए होंगे लेकिन आज इस तरीके से और बहुत ही अच्छे से इसे आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये बहुत ही कम ब्रेड में बहुत अच्छे ढेर सारे नाश्ते तैयार हो गए। थैंक